विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, हम आज पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जो कोई x प्लस आईटा वाई की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, बोल सकता हूँ कि x प्लस आईटा वाई एक नंबर किसी भी फॉर्मेट में ऐसे मिले तो उसको क्या बोलोगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का मतलब ये होगा कि ये जो आईटा वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर का इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसको, और एक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज द डिनोटेड ऑन द, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट करना चाहूं तो एक्स एक्सिस को क्या मान लूंगा, यहाँ पे रियल एक्सिस मान लूंगा इसको, और इसको क्या मान लूंगा, इसका इमेजिनरी एक्सिस मान लूंगा, ठीक है, ओके। देन आफ्टर, एक सबसे मेन कंडीशन यहाँ पे यही होती है कि अगर एक्स प्लस आईटा वाई को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है तो यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर ही होने चाहिए। एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर, अगर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई रियल नंबर नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा कि वाई भी रियल नंबर ही है, वाई ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ये, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये, तो वाई को अगर मैं यहाँ पे आयटा पुट कर देता हूँ तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस वन हो जाएगी, तो एक्स माइनस वन हो जाएगी, दिस इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके चेंज हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेन कंडीशन यही होती है एक्स प्लस आयटा वाई को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर मेन कंडीशन होगी, क्लियर है। इसके बाद अगर देखें तो इसका मॉडुलस क्या होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म में कैसे डिनोट करें, सीधी सीधी बात है, सबसे पहली कंडीशन आती है कि आयोटा होता क्या है, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। कई बार क्या होता है, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई अंडररूट फोर इज इक्वल टू टू होता है, अंडररूट थ्री इज इक्वल टू, हाँ कुछ हो अंडररूट नाइन इज इक्वल टू थ्री लिख सकते हैं, लेकिन सबसे एक बात में हम बिल्कुल अटक जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये दे दू कि माइनस नाइन क्या होगा अंडररूट में, तो सबसे जरूरी ये चीज होती है, अगर इसको मैं चेंज कर दूं माइनस वन इंटू अंडरूट नाइन लिख सकता हूं इसको, तो अंडरूट नाइन की वैल्यू तो तीन होगी, इसकी वैल्यू होती है आयोटा, तो ये वैल्यू किसमें होगी, थ्री आयोटा, कोई फर्क तो आया नहीं, अंडरूट नाइन की वैल्यू तो क्या होगी थ्री, लेकिन अंडरूट माइनस नाइन की वैल्यू क्या होगी, आयोटा का यहाँ पे एडिशन हो जाता है, ओके दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कहने का बेसिक मतलब ये कि अंडरूट में आपको नेगेटिव वैल्यू इजीली हैंडल आउट नहीं होती, तो उसके लिए अपन आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। देन आफ्टर देखते हैं, अगर सीधी सी बात आपने पता है कि आयोटा की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टडी किया, आयोटा वैल्यू माइनस वन होती, तो हम यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करूं तो आयोटा स्क्वायर इस साइड हो गया, इस साइड स्क्वायर करूं तो इसका अंडरूट हट जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस वन आ गई, ओके। देन आफ्टर अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालू तो क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो क्या होगा आयोटा का क्यूब हो गया, और ये क्या होगा माइनस वन इंटू आयोटा, क्या होगा माइनस का आयोटा हो गया, ठीक है। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा लिख सकते हो। देन आफ्टर अगर आप इसके बाद भी बोलोगे मुझे आयोटा फोर की वैल्यू निकालनी है, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा आयोटा पावर फोर, और ये माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन हो जाएगा, तो आयोटा की पावर फोर की वैल्यू क्या जाएगी वन हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे सबसे मेन रोल अदा करता है अपना कि आयोटा की पावर फोर वन वैल्यू होती है, बहुत ही अच्छा रूल है। सीधी सी बात है, अगर मैं बोल दूं आयोटा का पावर 234 क्या होगा, या आयोटा का पावर 232 क्या होगा, आयोटा का पावर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन लेता हूं इसमें की कंडीशन ले लेते हैं कि आपको आयोटा की पावर 4 की फॉर्मेट में चेंज करो इसको, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, 4 5 20 और 4 8 32, तो आयोटा की पावर 4 की पावर तो 58 होगी, ये तो हो गया 232 तक चला गया, लेकिन आयोटा की पावर 2 पीछे बच गई, वो क्या आयोटा स्क्वायर बच गया, आयोटा पावर 4 क्या होता है वन होता है, और इसकी वन की पावर 58 तुम हो गया, वन की पावर कितनी भी हो वो तो वन ही होता है, लेकिन ये वन हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है एज कम्पेयर टू दिस साइड, यहाँ पे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को सोल्व करने के लिए सीधे से मेथड क्या हुआ, मैंने आयोटा पावर की फॉर्मेट में चेंज करो, और आपने आयोटा पावर 4 की वैल्यू फॉर्मेट में आगे वैल्यू माइनस वन, ओके। देन आफ्टर देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मैं एक सबसे मेन कंडीशन एक बताता हूँ, मैं एक बात बोलता हूँ उसको प्रूव करते हैं हम कि वो बात सच है नहीं, द एडिशन ऑफ ए टू या नहीं टू नहीं सॉरी द सम ऑफ एनी फोर कंजुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब क्या होगा, आप कोई भी कंजुगेटिव चार कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो तो उनके सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, इनका सम क्या होगा, जीरो होगा। लेट अस ट्राई कि प्रूव करते इसको, मैं इन सारों में से आयोटा पावर 9 कॉमन ले लेता हूँ, एन कॉमन लेता हूँ एन, तो यहाँ पे आयोटा पावर की 1 बच गया प्लस, ये आयोटा पावर 1 बच गया, ये आयोटा स्क्वायर बचेगा, और ये वाला क्या बचेगा आयोटा पावर क्यू बचेगा, सीधी सी बात है, ओके। 1 तो हो गया 1 एज इट इज,
आयोटा का मतलब आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, अभी बताया था मैंने पीछे, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा होती है, और ये आयोटा पावर एन बार है, ये वन से तो माइनस वन कट गया, आयोटा से माइनस आयोटा कट गया तो जीरो बच गया, पूरी वैल्यू क्या आगे जीरो। तो मेरे हिसाब से बात सच होनी चाहिए कि द सम ऑफ द एनी फोर कंजुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज जीरो। ओके, सीधी सी बात है, कोई भी लगा लो, ऐसा नहीं है कि भी होगा भी आयोटा पावर चार प्लस आयोटा पावर पांच।